INS सिंधुरक्षक में शुक्रवार को हुए विस्फोट के बाद सभी का ध्यान समुद्र की गहराइयों में छिपकर शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखने वाली पनडुब्बियों और उनमें रहने वाले नौ सैनिकों के जीवन की ओर चली गई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नौ सैनिकों का जीवन आसान नहीं होता। इनके परिवार वाले बताते हैं कि इनकी जिंदगी बड़ी कठिन होती है। जब वो किसी मिशन पर जाते हैं तो ये मिशन 20 या 30 दिन के लिए होता है और कभी कभी तो लगातार 45 दिन तक वो काम करते हैं। परिवार वालों को बस इतना पता होता है कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं, इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं होती। परिवार को ये भी पता नहीं होता है कि वो कितने दिन के लिए कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ठोकोला एक हर उस माँ के लिए, हर उस बहन के लिए, हर उस लड़की के नाम पर जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी सेवा के लिए अपने घरों के चिरागों को सरहद पर भेजती हैं। और आपको बता दें कि उनके अभियान की जानकारी सिर्फ नौसेना के मुख्यालय को ही होती है। नौसैनिक अपने परिवार से दूर पानी के भीतर रहते हैं। जब वो पनडुब्बी के भीतर होते हैं तो नहाना तो दूर, दाढ़ी बनाने का मौका भी उन्हें नहीं मिलता। नौसैनिक अगर 30 दिन के लिए पनडुब्बी में है तो उन्हें मुश्किल से 3 बार नहाने का मौका मिलता है और वो भी सबकी सहमति के बाद, क्योंकि हर नौसैनिक को प्रतिदिन 3 से 4 मग पानी मिलता है और वहाँ ब्लेड जैसी चीज का इस्तेमाल करना सख्त मना है। इसलिए जितने भी दिन वो पानी के अंदर हैं, उन्हें बिना दाढ़ी बनाए ही रहना पड़ता है। उन्हें पहनने के लिए ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिन्हें वे लगातार 3-4 महीने तक पहने और फिर फेंक दिए जाते हैं। खाने के लिए उन्हें बिना तड़के की दाल, रोटी, चावल और बेहद कम मसालों वाली सादी सब्जी दी जाती है। पनडुब्बी में खाने का सामान बेहद सीमित होता है। अगर ताजा खाना ना हो तो उनके पास पहले से टिन में पैक भोजन होता है जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा धुआं ना उठे, इसलिए खास तौर से सादा भोजन ही बनाया जाता है। दाल में छौंक इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि अगर छौंक लगा तो धुआं उठेगा और लपटेंगी। नौ सैनिकों को बिना छौंक लगा सादा खाना दिया जाता है। पनडुब्बी जब भी समुद्र के अंदर जाती है तो उसके साथ डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सा का सामान साथ होता है, क्योंकि अगर किसी को उल्टी या चक्कर जैसी परेशानी होती है तो तुरंत इलाज किया जा सके। पनडुब्बी में सोने के लिए 2 कंपार्टमेंट होते हैं। वहां पर तापमान गर्म होता है, इसलिए कभी कभी कुछ नौ सैनिक वहां भी सोने जाते हैं जहां मिसाइल और टारपीडो रखे होते हैं, क्योंकि ये जगह पनडुब्बी की दूसरी जगहों के मुकाबले सबसे ज्यादा ठंडी होती है। पनडुब्बी के भीतर सूरज की रोशनी नहीं आती, इसके चलते जब वो समुद्र की सतह पर आती है तो बाहर आते वक्त नौ सैनिकों को हाथ पैर में जकड़न जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। गहरे समुद्र के भीतर लगातार अभियान पर चलते रहने से उनके कानों पर काफी गहरा असर होता है, इसलिए पनडुब्बी के भीतर सैनिक अपने कानों का खास ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, आप जी सकते हैं इनकी जैसी जिंदगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, अब मैं उन लोगों के नाम बताने जा रहा हूँ जो हमारी वीडियोस को रोजाना देखते हैं और लगातार कमेंट के जरिए अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहते हैं। सबसे पहले हैं सारिक और दूसरी है शालू गुप्ता। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आने वाली वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे और भी इसी तरह की वीडियोज आपको मिलते रहे सबसे पहले।